काम के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो खेत में जो डली होती है पराली, उसमें यहाँ पे आग लग चुकी है। गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत, हम क्योंकि चर्च से आ चुके थे और घर जाके मैं गाइस सो गया था, तो अब जा रहे हैं, शाम हो गई, खेत घूम के आते हैं, फिर मिलते हैं, पहले चलते हैं खेत। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और अनदर ब्लॉग्स पर। तो गाइस आज मैं अभी खेत तरफ आया हूँ और गाइस मैंने ये ब्लॉग सुबह ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी वीडियो देख रहे हो गाइस, आप ही समझ के कि आप पहले बंदे हो जो कि वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मेरी आप अगर पहले सपोर्ट करोगे तो दूसरा सपोर्ट करेगा। प्लीज़ गाइस एक सपोर्ट मांग रहा हूँ आप लोगों से गाइस। बाकी तो आप लोग ब्लॉग में देख ही सकते हो हमने दिन भर क्या किया, कहाँ कहाँ गए थे। तो गाइस मेरा नाम है अनुपम और आप अनुपम ब्लॉग्स पर ये ब्लॉग देखोगे गाइस। मैंने बहुत टाइम से बहुत बार ब्लॉग बना लिया गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से घर और यहाँ पे देख सकते हो ये खेत भी यहाँ पे खाली डले हुए हैं और अभी मैं साइकिल से जा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी शाम होने वाली है, यहाँ पे दिन ढल चुका है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कितना ही प्यारा मौसम है, अभी बहुत अच्छी जगह है गाइस। अभी यहाँ पे मौसम भी बहुत प्यारा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं खेत आया था। हेलो जी, अभी आ गया है, मम्मी का फोन, मुझे घर पे जाओ वापस से, बहुत तेज हवाएं चल रही है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना ही खराब मौसम है और बहुत ही ज्यादा हवाओं के साथ गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी ज्यादा हवाएं चल रही है। ये देख सकते हो चीन का झाड़, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मतलब हवा ही हवा चल रही है गाइस। आज बहुत ही मौसम खराब हो गया, मैं आया था गाइस हमारे खेत पर। तो गाइस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट के लिए। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो सूरज डूबने वाला है, यहाँ पे अभी 5:30 बजे हैं गाइस के और मैं खेत पर आया था गाइस। तो यहाँ पे मैंने सोचा ब्लॉग बना लेकिन आवाज नहीं आ रही गाइस, तो सोच सकते हो आप लोग क्या ही हो रहा होगा मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये सोलो ट्रैक्टर और इसका फैन मुझे बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पे जाली वाला कुछ डिजाइन करके यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि इसमें भूसा कचरा कुछ भी ना जाए, क्योंकि ये भूसा की मशीन चला रहा है इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये भूसे की मशीन है, इसके नीचे गाइस ये भाई साहब हमारे, यहाँ पे देख सकते हो सोलो 55 HP है ये यहाँ पे मशीन है और ये पावर टैक 55 है। ये भाई हमारे यहाँ पे गेहूँ निकाल रहे हैं, इसके नीचे टैंक रहता है 100 kg तक का गाइस। और यहाँ पे ये ट्रॉली इसकी, यहाँ से भूसा बन के आगे से इसमें ऊपर से अंदर भर जाता है ट्रॉली में। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा गेहूँ निकल चुका है, इसमें एक एक बोरी के करीब यहाँ पे 50 kg के करीब यहाँ पे गेहूँ निकल चुका है गाइस, देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे। तो गाइस इसमें बहुत फ़ायदा होता है इस मशीन से, देख सकते हो। और यहाँ पे हमारी ट्रॉली जा चुकी है फिर से यहाँ पे भूसा बनाने के लिए। कौन कौन लोग भूसा बनवाते हैं इस मशीन से प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है तो वो भी बता देना। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे रोड पर घूमने शाम के टाइम। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:00 और यहाँ पे देख सकते हो खेत में जो डली होती है पराली, उसमें यहाँ पे आग लग चुकी है पूरी। तो देख सकते हो रात का नज़ारा यहाँ पे कुछ दिन में बदल गया, देख सकते हो ये रोड पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पे रोड भी नहीं समझ आ रही गाइस यहाँ पे इतना देर अभी फिलहाल में। और देख सकते हो यहाँ पे कितनी आग जल रही है गाइस, बहुत भयंकर वाली, देख सकते हो गाइस यहाँ पे। और अब यहाँ पे रोड भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ट्रैक्टर, आ रहा है क्या आ रहा है गाइस, देख सकते हो इस तरीके, इस साइड से भी ट्रैक्टर आ रहा है, इस साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभी मस्त नज़ारा है गाइस, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस ट्रैक्टर वाले हैवी ट्रैक्टर कितने ही भगाए जा रहे हैं ऐसे अंधेरी रात में, देख सकते हो गाइस क्या ही फव्वारे जैसे यहाँ पे धुआं उड़ रहा है। अभी चलते हैं गाइस हम यहाँ से घर। इन जानवरों को देखो गाइस, यहाँ पे कल तक खाने के लिए था और रात में यहाँ पे आग लग गई, तो देख सकते हो क्या ही हाल हो गया, बेचारे लोग ढूंढ रहे हैं कुछ तो भी खाने को मिल जाए यहाँ पे, बाकी यहाँ पे सब कुछ जल के खाक हो गया गाइस। प्लीज़ गाइस जानवरों के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पे गाइस एक और कुआँ है जो कि आम ऊंचा जगह, यहाँ पे आम का पेड़ लगा है और ये रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं हमारे वाले खेत, हमारा खेत वहाँ पे वो एक पेड़ दिख रहा है बहुत दूर पर, देख सकते हो गाइस ये पेड़, वहाँ पर जाना है।